हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, जो गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन पे निकले हैं अपने प्रत्याशी के लिए। पायलट साहब, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, तीसरी तरफ मायावती, आपको लगता है कांग्रेस स्टैंड्स अ चांस? जो यहाँ माहौल है, ये सब बात को समझ गए हैं कि यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट और बीजेपी कैंडिडेट का है। यहाँ पर फाइट बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर है, तो ये कहना गलत होगा कि हर जगह ट्रायंगुलर या चौतरफा कॉन्टेस्ट है। अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिलों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन इस बेल्ट में, इस शहर के अंदर यहाँ कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। और हमारा जो प्रत्याशी हैं, उनके पिताजी यहाँ सांसद रह चुके हैं, अच्छी पकड़ उनकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर माहौल बदल रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं। इन गलियों में जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो सब पीड़ित हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। जो आर्थिक संकट देश पर आया है, उसका जो बोझ है वो इन मध्यम वर्ग के लोगों के कंधों के ऊपर है। लोग बदलाव चाह रहे हैं और कांग्रेस ने एक बेहतर विकल्प देने की कोशिश करी है। मुझे लगता है जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है। सर, आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, नैरेटिव उससे अलग दिख रहा है। 80 बनाम 20 की बात करते हैं, मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं जनता का रोजगार, आपको लगता है ये मुद्दे? मुख्यमंत्री महोदय ने ये 80 बनाम 20 की बात क्यों करी? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर हो, आर्थिक विकास हो, निवेश हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर जगह जब फेल हो गए तो अंत में जाके उनको 80 बनाम 20 करना पड़ रहा है। और जनता समझ रही है कि ये उनका आखिरी एक दाव होता है। इससे पहले अपने 5 साल की जो गवर्नेंस है, उसका अगर हम आकलन करेंगे तो कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। बदलाव जनता चाह रही है, इसलिए उसको रोकने के लिए ध्रुवीकरण करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, 80 बनाम 20 की बात करना, ये कहीं ना कहीं उनका एक लास्ट होता विकल्प। लेकिन जनता है बार बार इस बात को विश्वास नहीं करने वाली है। सर, आपको नहीं लगता ऐसे मोमेंट पे, जब पार्टी के कुछ बड़े चेहरे आरपीएन सिंह छोड़ करके चले गए, आपकी जो मजबूती थी, जो आपका यहाँ पर क्लेम था, वो कमजोर पड़ता है, उस छवि को नुकसान पहुँचता? कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पुरानी पार्टी है और चुनाव से पहले कई दलों के कई नेता आए और गए हैं, लेकिन अंत में लोग विचारधारा को, परफॉर्मेंस को, इतिहास को देखते हैं, भविष्य को देखते हैं। कौन नेता, कौन व्यक्ति कब किस पार्टी में ज्वाइन करता है, उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जीतने के लिए, 5 राज्यों में कांग्रेस की बेहतर परफॉर्मेंस हो, और आने वाले समय में भाजपा को चुनौती अगर कोई दे सकता है नेशनल लेवल पर, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता, आप सभी लोग काफी पुराने मित्र भी रहे, इसलिए आपसे मैं पूछना जरूर चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ये पार्टी अब वैसी पुरानी पार्टी रही नहीं, इसलिए मुझे छोड़ना। देखिए, उनका नजरिया हो सकता है, लेकिन लाखों करोड़ों लोग जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, एंड वी हैव टू फाइट द गुड फाइट। संघर्ष तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जनता की आवाज़ को उठाना पड़ेगा, और उस मुद्दे को लेकर कहीं मतभेद किसी का नहीं है। कांग्रेस के अंदर सब एकजुट हैं, सब मेहनत से काम कर रहे हैं और भाजपा को हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रियंका जी को लेकर के, प्रियंका जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपको मेरे अलावा कोई चेहरा नहीं दिख रहा, फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया हालांकि कि उनके कहने का आशय कुछ और था। आपको नहीं लगता कांग्रेस को भी एक चेहरा देना चाहिए? देखिए, कई कई राज्य हमारी पार्टी का निर्णय है भाई, किसी स्टेट में हम लोग देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन मूलतः हमारी कोशिश रहती है कि हम यूनाइटेडली चुनाव लड़ें, चुनाव जीतने के बाद जिस पे आम राय बने उस व्यक्ति को हम मौका देते हैं। ये मूलतः हम लोग ऐसे ही करते आए हैं, एक आध जगह एक्सेप्शन भी किया होगा, लेकिन ये पार्टी का इंटरनल निर्णय है कौन सा दल किसको प्रोजेक्ट करता है, ये बाकी दलों की है। हम लोग तो अपने मैनिफेस्टो पे 40% महिलाओं को टिकट देना, नौजवानों को मौका देना, एक नई इबादत लिखना, इस कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। और मुझे लगता है कि जो परिणाम आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले होंगे, और जो एक ब्लूप्रिंट और एक रूपरेखा हमने दी जनता के बीच में, एक बेहतर विकल्प देने की जो कोशिश की है, उसमें हम कामयाब रहेंगे। पिछली बार समाजवादी पार्टी से आप लोगों ने अलायंस किया था, इस बार वो अलायंस हुआ नहीं। अखिलेश यादव क्लेम कर रहे हैं कि वो योगी सपा की सरकार उत्तर प्रदेश देख चुका है, समाजवादी पार्टी देख चुके हैं, भाजपा देख चुके हैं, सब लोगों को मौका मिला पिछले 30 सालों में। कांग्रेस ने एक नई शुरुआत करी है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, 10 मार्च को परिणाम आएगा, लेकिन हम पूरी ताकत से कांग्रेस के लिए प्रचार में लगे हुए हैं। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए बस। बहुत सारे मीम्स आपको लेकर के भी कि सचिन पायलट पार्टी में रहेंगे, सचिन पायलट भी छोड़ सकते हैं। ये जो सवाल पूछते हैं उनको मालूम नहीं है मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सचिन पायलट साहब, जो कि गाजियाबाद में निकले हैं अपने प्रत्याशी सुशांत गोयल के कैंपेन में, डोर टू डोर कैंपेन में। यहाँ पर लोगों से जाकर के, उनके दुकानों में, उनके घरों में मिल करके, और उनका कहना है, जो एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की उसमें सचिन पायलट का कहना है कि जो यहाँ पर रोजगार का मामला है, जो छोटे व्यापारियों के कष्ट का मामला है, इस बार कांग्रेस इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस को मौका देगी। कैमरामैन मान के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।